इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 13वां सवाल, 500 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी हुई है? ए गोलघर, बी ताजमहल, सी चंद्रयान या डी लाल किला। वीडियो को रोक कर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। भागलपुर मायागंज अस्पताल में बढ़ेगी मुसीबत, अधिकांश बेड भरा। कोरोना संक्रमित मरीजों की अब परेशानी बढ़ती जा रही है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड व आईसीयू में कोरोना संक्रमित मरीजों से भर चुका है। ऐसी स्थिति में अब यहां मरीजों को कहां रखा जाए, यह समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके साथ ही कई चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस कारण यहां की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई मरीजों को मंगलवार को बिना सैंपल लिए लौटा दिया गया। इसके साथ यहां जूनियर व सीनियर चिकित्सकों में भी ड्यूटी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। जूनियर डॉक्टर चाहते हैं कि कोरोना वार्ड में सीनियर चिकित्सकों की भी सेवा ली जाए। अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत ड्यूटी चार्ट पर मंगलवार को कोई आदेश निकालते, लेकिन वे भी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके कारण ड्यूटी चार्ट भी नहीं बन पाई। इधर नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने बताया कि आइसोलेशन वार्ड व आईसीयू में अधिकांश बेड भर चुके हैं। आइसोलेशन वार्ड में 74 बेड है, जिसमें कुछ महिलाओं का बेड छोड़कर सभी में मरीज हैं। आईसीयू के 36 बेड पर अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। दूसरी ओर कोविड सेंटर में 159 मरीज भर्ती है, जिनमें मंगलवार को 14 मरीज भर्ती हुए हैं। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी भी मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने बताया कि वे नियमित चेकअप के लिए पटना आए थे, थोड़ी सी खांसी थी। डॉक्टर ने कोविड जांच कराने को कहा। जांच के बाद मंगलवार शाम में रिपोर्ट आई, जिसमें वे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर वे होम क्वारंटाइन हो गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में डीपीओ देव नारायण पंडित प्रभार में रहेंगे। पॉजिटिव होने को लेकर डीईओ ने मैसेज भी जारी किया है। भागलपुर जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज, स्कूल भवन कोसी में विलीन। भागलपुर में गंगा और कोसी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण शहर के कई मोहल्ले के समीप पानी पहुंच गया है। वहीं एक दिन पहले नवगछिया के बिहपुर के मध्य विद्यालय गोविंदपुर कोसी नदी में विलीन हो गया। बताते चलें कि भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट का पानी का फैलाव मसानी काली के पास हो गया है। दीपनगर घाट का पानी ईट भट्टा के पास, आदमपुर घाट का पानी बैंक कॉलोनी के समीप पहुंचने से लोगों के मन में भय समा गया है। वहीं मनिक सरकार के पास गंगा का पानी कई अपार्टमेंट के नजदीक पहुंच चुका है। दूसरी ओर बरारी पुल घाट के पास पानी तेजी से बह रहा है। पुल घाट समिति के अध्यक्ष नवीन सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक सप्ताह पहले 8 सीढ़ी दूर पानी था, अब मात्र 4 सीढ़ी में बचा है। भागलपुर में डिप्टी मेयर के पिता और आभूषण व्यवसायी हरिओम वर्मा से 50 लाख की मांगी रंगदारी। भागलपुर के आभूषण व्यवसायी और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के पिता हरिओम वर्मा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। आभूषण व्यवसायी हरिओम वर्मा के नंबर पर एक मोबाइल से मैसेज कर किसी शख्स ने मंगलवार दोपहर को मैसेज भेजकर रंगदारी नहीं देने पर दुकान सहित उड़ा देने की धमकी दी है। मैसेज पढ़ने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी एसपी को दी। इसके बाद उन्होंने जोगसर ओपी में इसकी लिखित शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राम कुमार साहू बने प्रदेश सचिव, सुभाष वर्मा बने प्रदेश प्रवक्ता। संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष रवि रंजन ने प्रदेश कमेटी के निर्णय पर नौगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक सह समाजसेवी राम कुमार साहू को प्रदेश सचिव एवं स्वर्ण व्यवसायी सह समाजसेवी सुभाष वर्मा को संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया है। नवगछिया में 15 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोविड सेंटर भेजने की प्रक्रिया शुरू। नवगछिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को 15 नए लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें नवगछिया मुख्य बाजार के 8 लोग, नया टोला के 4 लोग, सही टोला के 2 लोग और नगरा के 1 व्यक्ति शामिल हैं। सबों को कोरोना केयर सेंटर भागलपुर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अनुमंडल अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर पर ही क्वारंटीन रहना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों से बॉन्ड भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 8873-9736-80। ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371787 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। नवगछिया शहर में खुलेआम घूमने लगे हैं कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया शहर में कोरोना पॉजिटिव खुलेआम घूमने लगे हैं। ऐसी स्थिति में नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। आम लोग संक्रमित लोगों से खुलकर बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उक्त व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। एक स्वास्थ्यकर्मी ने अपना नाम ना छापने के शर्त पर बताया कि वे सब्जी खरीदने बाजार गए थे। लौटने के क्रम में देखा कि 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ व्यक्ति खुलेआम फलों की खरीदारी कर रहा है। वह विटामिन सी लेने एक दवाई दुकान में भी गया। इधर मुमताज मोहल्ले में भी एक ही परिवार के करीब 10 लोग संक्रमित होने के 6 दिन बाद ना तो अस्पताल गए हैं ना ही बांड भरा है। जब मुमताज मोहल्ले के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि फिरोज आलम को यह जानकारी मिली तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संक्रमित लोगों के नाम और पहचान की मांग की है। जब फिरोज के पास नाम आया तो उन्होंने पूरे मामले की जाँच की तो पता चला कि घर के सभी सदस्य फरार हो गए हैं और एक सदस्य जो संक्रमित है वह रोज सुबह शाम घर आता है और खुलेआम घूमता है। नवगछिया के तीनों थाने का संचालन पूर्ववत प्रारंभ। नवगछिया आदर्श थाना, महिला थाना और अनुसूचित जाति जनजाति थाने को अब पूर्ववत संचालित किया जा रहा है। मालूम हो कि तीनों थाने में एक साथ बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद तीनों थाने को नवगछिया पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया गया था। वरीय पदाधिकारी के आदेश पर एक बार फिर से तीनों थाने को अपने अपने निर्धारित भवनों में संचालित किया जाने लगा है। नवगछिया आदर्श स्थानीय थाने के प्रभारी थानाध्यक्ष के रूप में हरि शंकर कश्यप कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में भी वे लोग एक तरफ अपराधियों से मुकाबला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं। नवगछिया रेलवे स्टेशन भी पहुंच रही है दिल्ली और महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनें। नवगछिया स्टेशन पर लॉकडाउन के बाद 2 ट्रेनें नियमित रूप से पहुंच रही है। इनमें महाराष्ट्र के लिए सप्ताह में 2 दिन दादर गुवाहाटी एक्सप्रेस है जबकि दिल्ली के लिए महानंदा एक्सप्रेस नियमित है। रेल कर्मियों ने बताया कि ट्रेन आने के पूर्व ही खास सावधानी बरती जा रही है। सभी यात्रियों की पहचान और उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है फिर उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। नवगछिया के गोपालपुर PSC की ANM हुई कोरोना पॉजिटिव। PSC गोपालपुर की एक ANM के पुनः कोरोना पॉजिटिव होने से PSC में हड़कंप मच गया है। इसके पूर्व भी एक ANM कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव ANM के चयन का पता कर सभी लोगों का सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा जाएगा। गोपालपुर प्रखंड क्षेत्र में राशन कार्ड का किया जा रहा वितरण। गोपालपुर प्रखंड के सभी पंचायत में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के द्वारा राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए वीडियो प्रियंका ने बताया कि 3000 से अधिक राशन कार्ड का वितरण फिलहाल प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में करवाया जा रहा है। इस्माइलपुर में बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी। 10 नाव के साथ 7 राहत शिविर चलाने की तैयारी। इस्माइलपुर अंचल द्वारा बाढ़ पूर्व की तैयारी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस्माइलपुर में बाढ़ के दौरान 5 सामुदायिक किचन व 7 राहत शिविर संचालित किए जाएंगे। मुख्यालय स्थित कृषि भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ 3 पालियों में 24 घंटे कर्मियों को तैनात किया जाएगा। CDPO व प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही 10 नाव की व्यवस्था बाढ़ के दौरान आवागमन के लिए किया गया है। नवगछिया के पर्वताधार में मिट्टी डालकर बांध मजबूत करने का कार्य आरंभ। नवगछिया के पर्वताधार में ग्रामीणों के सहयोग से बनाए गए बांध में ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर मजबूत करने का कार्य जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल की देखरेख में शुरू कर दिया है। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद उक्त बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया था। जलस्तर में हुई वृद्धि से इस्माइलपुर प्रखंड के दर्जनों गांव के सहित हजारों एकड़ में लगी मक्के की फसल पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था।
बैक चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8294-855-586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना। कुणाल को ढूंढने पुलिस, अन्यथा राजद आंदोलन को होगा बाध्य। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर के कुणाल आलोक चिंटू उर्फ राजा बीते शनिवार से लापता है। उनका मोबाइल बंद है। उनके परिजन बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। परिजन का बुरा हाल है। उन लोगों का मानना है कि उनका अपहरण कर किसी प्रकार का अनहोनी होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल पुलिस प्रशासन से मांग करती है कि अविलंब कुणाल आलोक को बरामद करे, अन्यथा राजद इस पर ठोस कदम उठाएगी।